Okay, so this interaction is very interesting with Chanda. She just got selected as lecturer, Uttar Pradesh Polytechnic. She had 6 years of gap. She got interview call for assistant engineer also, missed by some marks, and she was missing selections by very small margin. She had 6 years of gap. एंड उसको नहीं लगता, चंदा को पता नहीं चलता था कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है. यू विल फाइंड दैट यू विल फाइंड पेक्यूलर थिंग इन चंदा. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चंदा से. एंड शी इज द गर्ल विच हु स्माइल्स. जब वो नर्वस होती है तो उसको स्माइल करती है वो. और दिस इज समथिंग विच इज पेक्यूलियर इन हर. बहुत कैजुअल भी हो जाती है. इंटरव्यू के टाइम पे जब हम उसको मेंटरिंग करते थे तो वो स्माइल करना लगती थी, और वो उसकी अच्छी बात है. इंटरव्यू में उस चीज से उसको बेनिफिट हुआ, क्योंकि जब भी वो नर्वस होगी तो स्माइल करेगी, बाकी घबरा जाएंगे वो स्माइल करेगी, तो इंटरव्यूअर को शायद पता नहीं चलेगा कि वो नर्वस है. लिसन टू हर इंटरेक्शन एंड आई एम वेरी श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एज लेक्चरर इन उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक. थैंक यू सो मच. ओके, सो योर स्माइल टेल्स द हैप्पीनेस. चंदा, यस सर. Okay, this is a very good job opportunity and a dream for many. And I'm sure, and profession is teaching, so the best profession, I must say. Yes, sir. Chanda, we will have interaction and we will get to know so many things from you today. I start with your background, Chanda. आप अपने बारे में बताएं कुछ. आपने graduation कहाँ से किया है? And this is up to you. I mean, whatever you want to tell to students who are listening. Okay, sir. सर, मेरी स्कूलिंग वगैरह केंद्रीय विद्यालय पंजाब लाइन से हुई है, यही मेरठ से ही. मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, हम लोग यहीं पे सेटल है. और मैंने अपनी इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी से की. अच्छा. पापा डिफेंस में थे तो वो उस समय वहाँ पे सेटल थे, तो इसलिए मेरी इंजीनियरिंग वहाँ से हुई है. मेरी इंजीनियरिंग का बेस AI EEE रैंक थी मेरी, ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट फिर भी AI EEE के थ्रू मुझे कॉलेज मिला था. उसके बाद मैंने सर 5 years हो गए मुझे, मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, और ये मेरा मतलब पहला फॉर शॉर्ट है जो पूरा मतलब कम्प्लीटली मुझे बोल सकते हैं कि अभी सक्सेस मिली है. क्योंकि लास्ट ईयर मैंने UPSC 8 का इंटरव्यू दिया था, तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. और एनालाइज करने के बाद मुझे यही पता लगा कि मेरे इंटरव्यू में उस समय पे कम मार्क्स थे, क्योंकि रिटर्न तो मेरा आसपास ही था जनरल कैटेगरी में. और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का यही है, मेरे पापा को डिफेंस में है, और हम लोग काफी बेसिक और मिडिल क्लास फैमिली से हैं. हमारे यहाँ पे लड़कियां मतलब ज्यादा पढ़ती नहीं है, मतलब एक फोर्स शॉट होता है, ज्यादा से ज्यादा टीचर बन जाएंगी, फिर उसके बाद शादी हो जाती है. तो यही था, थोड़ा सा स्ट्रगल है फैमिली की तरफ से. उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, इसीलिए मैंने प्रिपरेशन रखी अपनी. चलो ग्रेट. चंदा, आपने ग्रेजुएशन किया कब? मैंने 2016 में पास आउट. तो चंदा 6 साल हो गए आपकी ग्रेजुएशन को, और 6 साल में मेरे को लगता नहीं आपने एमटेक भी किया है. आपने बीटेक की? नो सर. 6 साल से आप तैयारी कर रही हैं, और एक बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में ये फियर होता है कि साहब अगर हमारा गैप बहुत ज्यादा है तो जॉब नहीं लगेगी एंड ऑल, बट आपको 6 साल के गैप के बाद आपका जॉब लगा है, और बहुत अच्छा जॉब लगा है. इस क्वेश्चन का मतलब इस चीज को कैसे हैंडल करना होता है, या आपको उन्होंने ये चीज के बारे में बोला था, या क्या था इसका गैप का? सर, ये जो गैप का क्वेश्चन था, ये मैंने आप ही से गाइडेंस लिए इसको क्लियर करने के लिए. क्योंकि जब मैं फर्स्ट इंटरेक्शन आपके साथ मेरा हुआ था, तो जो मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हुआ था ना, वही 5 मिनट्स जो स्टार्टिंग मेरे इंटरव्यू के थे, वो सेम थे वहाँ पर. उन्होंने मुझसे जाते ही पूछा कि आपने मतलब कब पास आउट हुए हो, मतलब आप कर क्या रहे हो. तो मैंने बोला सर अभी तो फिलहाल मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ. तो सर ने बोला अच्छा बैठो, फिर कितने एग्जाम निकाले हैं आपने. तो जैसा आपने मेरा स्टार्ट किया था उस समय पे कि आप इतने साल से पढ़ रही हैं, तो कहीं पे आपने गवर्नमेंट एग्जाम निकाला है, यानी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था. तो फिर आपने मुझे बोला था कि वहाँ पर ब्लफ वगैरह नहीं करना है, तो मैंने भी कोई ब्लफ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट श्योर स्ट्रेट बोल दिया सर मैं तैयारी कर रही हूँ, बट हाँ ये है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए मैं थोड़ा सा प्राइवेट ट्यूशन देती हूँ बच्चों को, ताकि थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम हो जाए पेरेंट्स. अच्छा, इसका इंटरव्यू का तो हम डिटेल में अभी आपसे दोबारा जानेंगे. चंदा, पहले 6 साल का जो आपकी तैयारी रही है, पुणे यूनिवर्सिटी से आप आ गई, फिर आप मेरे ख्याल से कॉलेज के बाद से आप घर आ गई, उसके बीच में कोविड भी रहा. अपना जरा जर्नी थोड़ा सा बताएं आपकी. जब रिजल्ट नहीं आ रहा था, नहीं आता है, 6 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है, रिजल्ट नहीं आता तो क्या साइकोलॉजी होता है? नो डाउट पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, वो सही है, लेकिन अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है,
कैसे होता है वो फेस? सर मेंटल प्रेशर तो अभी मेरे लिए बोलना बहुत आसान है क्योंकि मैं पास मतलब पार करके आ गई हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ, पर रियलिटी में उस समय जो फेस होता है वो कोई नहीं बता सकता सर, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं आप बता सकते। इवन आप जनरल कैटेगरी में हो या किसी भी कैटेगरी में हो आप, आपकी अपनी एक स्ट्रगल रहती है। जनरल वालों का खास तौर से ये रहता है कि सोशल प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, वो बोलते हैं जनरल वालों को कहाँ जॉब लगती है, और ऊपर से ये रहता है कि अपने साथ साथ ना पेरेंट्स को भी वो फेस करना पड़ता है कि बच्चों को घर पे रह के पढ़ा रहे हैं, और फिर आसपास के लोग भी बोलते हैं, वो ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। दूसरा ये रहता है कि आपके दोस्त आपसे बहुत आगे निकल जाते हैं, आपका भी सेम कैलिबर है, उनका भी सेम कैलिबर है, बट वो अर्न कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और आप अभी वहीं पर हैं। ये एक फेस होता है। दूसरा ये होता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे समझने में भी काफी टाइम लग जाता है। मेरे केस में ये था सर कि यूनिवर्सिटी एग्जाम से पास आउट होकर आए थे और एकदम से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लगे, तो पहले मैंने ये स्टडी ही नहीं किया कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। पूरे 2 साल तो इसी में लग गए फिगर आउट करने में कि क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम की, मतलब इसके लिए किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ कितने घंटे इन्वेस्ट करने हैं, आपको आइसोलेट होना है या आपको सोशली भी एक्टिव रहना है, आपको क्या क्या करना है, ये सब फिगर आउट करने में ही टाइम लग गया। फिर उसके बाद जब एग्जाम निकलने लगे तो काफी पास आकर मैं पीछे हट जाती थी। मेरा RRBJ का मेडिकल भी हुआ, मैं सब कुछ क्लियर था और कट ऑफ से मेरे 5-7 नंबर ज्यादा थे, तो मुझे लग रहा था शायद मेरा नंबर आ जाएगा, बट मेन लिस्ट में नाम नहीं आया, वहां पर फिर गिर गए। फिर उसके बाद UPSCA का रिटन क्लियर हुआ, इंटरव्यू दिया, फिर वहां पे भी नाम नहीं आया, तो वहां पे भी गिर गए। फिर उस फेस में ये रहता है सर, मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प की क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, मतलब यही बेसिक नॉलेज है उनके पास भी, तो वो भी कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसा करने लग जाते थे कि अब नहीं लगे। यस सर, तो फिर मेरी फ्रेंड है, मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, मेरी एक ही फ्रेंड है, मैं उसी के टच में थी पूरी प्रिपरेशन के दौरान, वो खुद स्टेट लेवल PCS की तैयारी कर रही है, तो कभी वो मुझे सवाल आपको थी, तो उसका नाम लेना चाहिए, उसको थैंक्स करना चाहिए। तो उसका नाम मयूरी सावंत है, वो मतलब महाराष्ट्र में ही रहती है, वो खुद तैयारी कर रही है, और वो मुझे कभी मतलब पेरेंट्स के थ्रू मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था तो मम्मी पापा ऐसा बोल रहे हैं तो मैं उसको बताती थी। इंजीनियरिंग इकट्ठे किया है? यस सर, हम दोनों ने इंजीनियरिंग इकट्ठे किया, बस उसने PCS की तरफ को मूव कर दिया, मैंने इस तरफ को मूव कर दिया, तो वो मेरा सपोर्ट सिस्टम थी, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती थी। यस सर, और क्या वो ज्यादा फ्रेंड्स के कांटेक्ट में नहीं थी मैं प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि मेरा खुद का माइंड ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाती हूँ, तो इस हिसाब से मैंने अपने आप को फिर तैयार किया कि ज्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं रहना, तो वही एक फ्रेंड थी और मेरे मॉम और डैड बस। आपकी फैमिली में और कौन कौन है चंदा, आपके ब्रदर सिस्टर्स? सर मेरे 2 छोटे भाई हैं। ओके, अच्छा चंदा मेरे को ये बताइए, अब जैसे गिरता तो आदमी है, बहुत बार गिरता है, जैसे आप बहुत क्लोज आके गिरते हो, 2 नंबर से, 1 नंबर से, आधे नंबर से गिरते हो, तो गिरना तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन खड़े होना अपने हाथ में होता है। अब यहीं पे डिफरेंस भी आता है, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं वापस, कुछ नहीं हो पाते हैं, तो गिरने से दोबारे खड़े होने के बीच की जो जर्नी हुआ करती थी आपकी, जैसे आपने बताया RRB में आपका छूट गया, आप एक्सपेक्ट कर रही थी, फिर असिस्टेंट इंजीनियर में छूट गया, और वो बहुत बड़ी अच्छी जॉब्स होती हैं वो, लकीली आपको ये जॉब मिल गया, नहीं मिलता तो दोबारे गिरने वाली सिचुएशन होती, तो वो फेज में आप कैसे कम बैक कैसे करती थी आप, उस फेज में पता लग गया कि भाई मेरा नहीं हुआ, रिजल्ट आ गया, मैं छूट गई, वो उस फेज में क्या होता था सर? 2 घंटे अपने आपको कमरे में बंद करके मैं बहुत सारा रो लेती थी, मुंह में तकिया लगा लिया या कपड़ा घुसा लिया या चादर ओढ़ लिया, कुछ कर लिया, घर भर के रो लिया, बाथरूम में नलका ऑन करके अच्छे से रो लिया सर, खत्म कर लिया मामला, फिर रात गई और फिर अगले दिन सुबह से फिर से शुरू हो गया। मैं ऐसे एक दिन पूरा अपना निकाल लिया, फिर उसका दौरे स्टार्ट हो गया। नहीं सर, मेरी रात रहती थी, मैं हमेशा क्या करती थी ना, जब भी रिजल्ट वगैरह देखने होते थे आगे करके, मैं हमेशा 5-6 बजे के आसपास ही रिजल्ट देखती थी, ताकि पूरी रात अच्छे से जम के वो हो जाए, जो भी करना, फिर अगले दिन सुबह हो तो फिर बस सब भूल जाओ वाला हिसाब। चलो बहुत सही, बहुत सही। अच्छा चंदा, ये जॉब है भी, टीचिंग का जॉब है, और बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा तुम्हें, 70-75 हजार हाथ में आएगा तुम्हारे, राइट? रिच लेडी वेरी सून, सो वो सारा कुछ हो जाएगा। अब एक और टीचिंग का प्रोफेशन है, तो कुछ दिमाग में चल रहा है कि साहब मैं टीचिंग बन करूंगी और अब कुछ ऐसा करूंगी, क्योंकि इंडिया में ट्रबल पता क्या है, मैं तुम्हें जो डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि आप जैसे बच्चे
कैपेबल बच्चे हैं और जॉब्स निकालते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स निकलती हैं, आईएएस सिविल सर्विसेज के निकलती हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के निकलती हैं, फिर आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में जा रही हैं जो टीचिंग प्रोफेशन है, जो आप रियल ह्यूमन बीइंग से डील करेंगी, और ऐसे ह्यूमन बीइंग जो टेक्नोक्रेट है, मतलब वो शेप उसकी डेस्टिनी शेप कर सकती हैं, कंट्री की भी डेस्टिनी शेप कर सकती हैं आप। बाकी जगह असिस्टेंट इंजीनियर बनती तो शायद आप किसी और चीज से डील करती, आप उस एज ग्रुप के साथ डील नहीं करती जिसकी आप भविष्य बना सकती हैं, वो इसी प्रोफेशन में पॉसिबल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपको इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी चीज मिलती है, उसके बाद लोग अपने काम में 100% क्यों नहीं दे पाते, और आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्योंकि यहां से अब ये होना चाहिए कि यू आर थैंकफुल टू ऑलमाइटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिला और आपको बेस्ट मेंटर बनना है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है कि जब मैंने इंजीनियरिंग की थी उसके बाद जब मैं कंपटीशन में आई तो मुझे पता लगा कि मैंने कॉलेज में जो कुछ सीखा वो सफिशिएंट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब हम क्या पढ़ते थे, एग्जाम में क्या लिखा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बल्कि 4 साल से, या तो मैं कहूँ शायद मैं ही डम थी इतना कि मैं अच्छे से समझ नहीं पाई कि कैसे पढ़ना है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी जब मैं पढ़ाने के लिए जाऊंगी बच्चों को, तो मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन उस तरफ रहेगा कि मैं थोड़ा सा उस तरीके से पढ़ाऊं जो मुझे प्रॉब्लम हुई है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में, क्योंकि आफ्टर ऑल पॉलिटेक्निक के बाद भी बच्चों को कुछ तो होगा आगे करियर बनाने में। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी इसी तरीके से रखना चाहती हूँ कि मैं उन्हें इस तरीके से पढ़ाऊं, जो प्रॉब्लम मुझे हुई है वो मैं थोड़ा सा उनके लिए कम कर दूं। और आप जानते हैं आप जो बोल रहे हैं कि जॉब के बाद सब ऐसा रिलैक्स हो जाते हैं, सर वो ये है कि अभी 6 साल हो गए तैयारी कर रहे हैं, अब अचानक से जॉब लग गई, तो सर ऐसा रहता है कि मतलब आप रहते हैं ना कि क्लाउड 9 पे बैठे हैं आप, अभी थोड़ा सा ऐसा रह रहा है, थोड़ा सा फीलिंग ऐसी आ रही है। बट नहीं सर, अगर कोई इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ा तो उसको पता ही है अपने काम में कुछ ना कुछ तो एक्सेलेंस दिखाएगा ही, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो एक और चीज चंदा मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ, और आप टीचर बन रहे हैं, तो आपको पता है ये प्रोफेशन इंडिया, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा है कि लोग इस प्रोफेशन को उतना वैल्यू नहीं करते हैं, ट्राई करते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में चले जाएं या पब्लिक सेक्टर में चले जाएं, लेकिन इस प्रोफेशन में इतना जबरदस्त स्कोप है चेंज लाने का जो शायद ही किसी और प्रोफेशन है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, वो रिक्वायर्ड है, और उसमें अगर आप अपना इनपुट देंगी, क्लासरूम की टीचिंग नहीं, क्लासरूम के बाहर भी, कि बच्चा अपना सेल्फ सस्टेन कैसे करे, बच्चा अपना करियर कैसे बनाए, और अगर टीचर पूरा मोटिवेशन करेंगे तो उस बच्चे का भविष्य बनेगा, तो इवेंचुअली कंट्री का भविष्य बनेगा, तो बहुत एक अच्छा रास्ता है, और ये काफी जिम्मेदारी वाला, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, और उस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिला है। अब चंदा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था अपना, वो डिटेल में शेयर करें बच्चों के लिए, क्योंकि कई बच्चे जाने वाले हैं तो वो सुनेंगे। सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसा था मेरा कि पिछली बार मेरा एम हुआ नहीं था, तो इस बार मेरे पापा ने मुझे बोला कि मुझे गाइडेंस ले लेना चाहिए इंटरव्यू का, क्योंकि फिर मैंने यूरोपीडिया पे आपके पहले से वीडियो देखे थे, मतलब मैं एई के लिए भी आपके वीडियोस के थ्रू प्रिपेयर कर रही थी, बट इस बार मैंने सोचा कि मैं गाइडेंस प्रोग्राम ले ही लेती हूँ। तो मैंने गाइडेंस प्रोग्राम लिया, मेरा फर्स्ट सेशन आपके साथ हुआ, तो फर्स्ट सेशन जब आपके साथ हुआ तो मैंने आपको बताया था कि मेरा अप्लाइड थर्मो में इंटरेस्ट है सर, तो आपने बोला था कि आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करिए, बट मेरे साथ इंटरव्यू में ऐसा हो गया सर, उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं कुछ भी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। वो ये था कि जो चेयरमैन थे, मैं अंदर गई, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया सर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो सर ने बोला कि बेटा प्राइवेट सेक्टर में आपको 2 लाख रुपए दूंगा मैं, तो आप मेरे यहाँ आके काम करोगी या फिर भी गवर्नमेंट में रहोगी? अब उस समय आंसर देने के लिए मतलब एकदम स्टार्टिंग में ही गए थे, और वो भी चेयरमैन सर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने बोला सर कि गवर्नमेंट जॉब एक अपने आप में एक प्रेस्टीज है, और मैं अभी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं स्ट्रगल कर सकती हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, इसलिए मैं कर रही हूँ, बट अगर फॉर श्योर अगर नहीं लगी तो फिर मुझे भी प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पड़ेगा। तो सर मुझे बोले कि अभी तो तुम्हारी बहुत कम उम्र है, हमारी उम्र में देखो हम यहाँ पे बैठे हो, तुम वहां बैठी हो, तो तुम तो तैयारी कर सकती हो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था सर कि वो फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे मतलब काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो मॉक इंटरव्यू हुए थे यूरोपीडिया पे, विशाल सर ने मुझे बोला था कि मैं बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाती हूँ, मतलब मैं बहुत जल्दी कैजुअल हो जाती हूँ टीचर्स के साथ। अब मेरे दिमाग में वो पॉइंट था उनका कि मुझे रखना है अपने दिमाग में कि मुझे एकदम कैजुअल नहीं होना, मुझे मतलब एकदम प्रोफेशनल रहना है। सर बोले थे मासूमियत में आंसर नहीं देना, अब वो क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रहे थे, मुझे लगा शायद बोलूं या नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा अपने दिमाग में ना एकदम फॉर्म होके गई थी कि नहीं बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होना मुझे। तो सर ने मुझे पूछा कि फिर अच्छा तुमने मोटरसाइकिल चलाई है, मोटरसाइकिल है तुम्हारे घर में? तो मैंने बोला यस सर है। तो सर ने बोला उसकी कूलिंग एक्सप्लेन करो, तो मैंने कहा सर उसमें फिन्स वगैरह यूज की जाती हैं तो वैसे कूलिंग हो जाती है। फिर उन्होंने बोला अच्छा ये एसी में फिन लगी हुई है,
तो मैंने बोला नो सर, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर वगैरह लगे हुए हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे पूरा प्रोसेस पूछा एसी का, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फिर लास्ट में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जो कंप्रेसर का हाई टेम्परेचर और प्रेशर है उतना बता दो कितना होता है एसी के लिए। अब सर मुझे लगा कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहे हैं। अब मैं 2 मिनट तक इधर उधर देखती रही, पर जो मेरे साथ एक टेक्निकल टीचर बैठे थे ना, उनके फेस पे इतनी बड़ी स्माइल आई थी ये देखकर, तो मैं थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंट हो गई उनको देखी कि शायद मैंने अभी तक आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। तो फिर मैंने आंसर दिया कि सर वो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ से मतलब इनका हट गया, तो ये आए मतलब ये जो चेयरमैन साहब थे, चेयरमैन साहब मैकेनिकल के नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन सारे मैकेनिकल पूछ रहे थे, क्वेश्चन मैकेनिकल के थे, उन्होंने मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे मुझसे। फिर उसके बाद इधर वाले सर ने पूरा सर कुछ नहीं पूछा मुझसे कि क्या प्रिपेयर करके आए हो, क्या करना है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। डायरेक्ट आगे वो क्वालिटी कंट्रोल पे, और वो भी वो डेफिनेशन नहीं पूछ रहे थे, बस पूछ रहे थे तुमने सुना है क्या। तो मैंने कहा सर सुना है। फिर उन्होंने एक वर्ड बोला क्वालिटी एश्योरेंस। अब वो एश्योरेंस वर्ड आपको पता है उसका मीनिंग क्या है, बट आपको ब्रीफली नहीं पता। मैंने कहा सर मैंने पढ़ा होगा पर मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको वर्ड के मीनिंग से समझा दूंगी। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा स्टोम में आ गए, उन्होंने पूछा मुझसे कि मतलब बीम क्या होती है, एक्सल क्या होता है, ये सब पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बोलते हैं कि अगर आपको वर्कशॉप मिल जाएगा तो आप वर्कशॉप में क्या करेंगी, और कौन कौन से डिविजन्स होते हैं। सर ये सब मेरे पहले मॉक इंटरव्यू हुआ था यूरोपीडिया के साथ, सतलानी सर ने मुझे बोला था कि ये सब कुछ प्रिपेयर कर लेना, तो वही वहां पे जाकर हो गया मेरा सारा इंटरव्यू। से जितने भी मैंने यूरोपीडिया के साथ मॉक दिए ना, वो थोड़ा 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 हर वीडियो एडिशन का पार्ट हो गया, पूछ ले। हाँ सारा का सारा ऐसे ही हो गया। फिर दूसरे वाले सर के पास गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि शीट मेटल ऑपरेशंस बताओ, तो ब्रीफली बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा मेटल फॉर्मिंग क्या होती है। सर मैं वहां पे भूल ही गई कि रोलिंग मेटल फॉर्मिंग में आता है। अब मेरा दिमाग इतना खराब हो गया कि ये पढ़ा है और ये आंसर नहीं आ पा रहा है, अब इसको सॉरी कैसे बोला जाए। तो चेयरमैन सर बोले बेटा कोई बात नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी है, भूल गई होंगी तुम। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बोलते हैं सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ, फिर सॉरी बोल दिया। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आपने सिंगल पॉइंट कटिंग ऑपरेशन सुने, तो मैंने वो बता दिए। और क्या बोलते हैं इतना ही सब कुछ पूछा सर उन्होंने मुझसे। पर मेरे से ना मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे, जो पहले जा रहे थे उनसे सबसे पूछा जा रहा था कि आप क्या प्रिपेयर करके आए हैं, बोर्ड पे जाके पढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिमाग में इतना सब कुछ लेके गई थी मैं कि प्रिपेयर करके जाना है ये सब पूछेंगे, सर उन्होंने उल्टा ही सब कुछ पूछ लिया। मैंने पढ़ा था वो एक ही चीज आपके साथ रहती है वहाँ, वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। नॉलेज तो धोखा दे जाता है, क्योंकि होता ही है कि आपको जो चीज आती भी है ना चंदा, वो भी वहाँ पे सब भूल जाते हैं। सब मेटल फॉर्मिंग भूल गई, एक प्रोसेस नहीं बताया गया मुझसे, मैं थोड़ा सा डर गई थी। फिर चेयरमैन सर ने थोड़ा सा काम कर दिया, तो फिर हो। अच्छा चंदा, जैसे जैसे मैंने आपके साथ सेशन किए एंड आई नो कि आप बहुत जल्दी, जैसे अभी भी आप स्माइल कर रही हैं, आपका यही बिहेवियर रहता है और आप स्माइल करते हो, कई बार वो कैजुअल दिखता है बट वो होता नहीं है, वो तुम्हारी नेचर ऐसी है वो। यस सर। तो क्या वहां पे भी ऐसा ही था या वहां आप कुछ अलग बिहेव कर रही थी? सर मैं बताता रही हूँ आपको, मैं दिमाग में लेके गई थी कि मुझे बिल्कुल कैजुअल नहीं होना है, क्योंकि मुझे विशाल सर ने लास्ट वॉक में भी ये पॉइंट आउट किया था कि आप बहुत जल्दी कैजुअल हो जाती है, ऐसा लगेगा नहीं कि आप सीरियस है। अब मेरी सर नर्वस होती हूँ तो स्माइल अपने आप ही निकल जाती है, अब मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, कहीं बैक ऑफ द माइंड में था ये कि हंसना नहीं है, मेरी स्माइल निकल जाती है सर। अब वो मेटल फॉर्मिंग पूछ रहे थे, अब मैंने पढ़ा था, ये तो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा तुम नर्वस हो। सर पता, अब पूरा सीरियस इंटरव्यू जा रहा है, अब लड़की बीच में हंस रही है तो कैसा करेगा, इसलिए थोड़ा सा। और सर उन्होंने मेटल फॉर्मिंग पूछा तो मैं बिल्कुल ही एकदम ब्लैंक, और मेरी मेरे अपने आप ही स्माइल निकलने लगी। पर सर चेयरमैन सर ने समझा दिया, मतलब संभाल लिया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं सॉरी बोल दो, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं आगे बढ़ जाओ। चलो बहुत बढ़िया, इट वाज अ वंडरफुल। कितनी देर तक चला होगा आपका इंटरव्यू सारा? सर मैं 12:15 अंदर चली गई थी, मैं 5:12:05 के आसपास बाहर आई, 20 मिनट चला, 20-25 मिनट चला। एंड कैसे गया था, एंड कैसे हुआ था? एंड सर सर ने मुझसे पहले क्वेश्चन में पूछा था कि असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट आपने निकाला है तो आपका क्यों नहीं हुआ था, फर्स्ट में ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था। तो जाते वक्त उन्होंने मुझसे यही पूछा, बेटा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा और फिर अभी यही का पेपर दोगी तुम 29 में, तो तुम क्या चीज सिलेक्ट करोगी। तो उन्होंने वहां पे वो क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर अगर मेरा इसमें हो जाता है, मैंने इसके लिए भी बहुत मेहनत की है, तो मैं पहले इसी को ऑप्ट करूंगी, वो तो अभी पेपर हुआ भी नहीं है सर, कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो बस इसी पे एंड हुआ, चेयरमैन सर ने एंड किया। अच्छा तो आपको ये आइडिया लग गया था कि आपका इंटरव्यू ठीक गया है या आपने कुछ ऐसा? नो सर, क्योंकि ये मेटल फॉर्मिंग दिमाग में घूम रही थी और मैंने 4-5
हाँ, चार पांच बार सॉरी भी बोला पर था। उन लोगों के एक्सप्रेशन कैसे थे वो भी तो पता लग जाता ना जब एंड करते हैं। चेयरमैन सर, सर इधर वाले सर तो स्माइली कर रहे थे, मेरे राइट हैंड साइड में जो बैठे थे मोस्टली, और जो इधर वाले सर थे वो भी थोड़ा सा मतलब नॉर्मल ही थे, ऐसे किसी के एक्सप्रेशन नहीं थे कि मुझे डर लग जाए कि यार मेरा नहीं होगा करके। बट मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि सर नहीं होगा, क्योंकि पढ़ के मैं कुछ और गई थी, हो कुछ और गया, फिर मुझे लगा कहीं मैंने स्माइल भी ना कर दिया हो कहीं ज्यादा, तो सर वही था, थोड़ा सा लग रहा था कि क्या पता कैसा गया। चंदा, आपके घर के आसपास कौन सा डिप्लोमा कॉलेज है अभी जहाँ पे आपका घर है? सर यहाँ पे कोई डिप्लोमा कॉलेज नहीं है। अच्छा, तो नियरेस्ट कहाँ पे पड़ेगा? नियरेस्ट घर के पास तो मुझे गाजियाबाद लगता है सर, गाजियाबाद मिलेगा। चलो, दैट्स वंडरफुल। सो लेट मी अगेन विश चंदा, और लास्ट मेरा पॉइंट आपसे, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें स्टूडेंट्स को, बच्चे सुनेंगे आपका ये इंटरेक्शन, तो कुछ बताना चाहते हैं आप उनको? सर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी पेपर आप देके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आप कहाँ पर रुक रहे हैं। कि रिटन क्वालिफाई करने के बाद कई बार ऐसा होता है सर, हम इंटरव्यू को कैजुअली ले लेते हैं, जैसे मैंने एई के पेपर में लिया, मुझे लगा अब रिटन हो गया तो इंटरव्यू भी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हर एक स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटन क्वालिफाई कर दिया तो आपको इंटरव्यू पे भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि सर पता नहीं रहता आपको कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी, आपको कैसे प्रेजेंट करना है। सर मैंने यूरोप मीडिया के साथ बहुत कुछ अपने अंदर इंप्रूव किया है कि मुझे बैठना कैसे है। सर शुभिया मैम मुझे बताती थी कि एक्सप्रेशंस कब देने हैं, कब आपको लाइट स्माइल रखनी है, कब लाउड बोलना है या थोड़ा धीरे बोलना है। सर ये छोटी छोटी बातें होती है, हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, हमको ऐसा लगता है हमने पढ़ लिया, वो पूछेंगे हम जाके आंसर दे देंगे, कैसे बैठना है, कैसे ड्रेसअप होना है, ये छोटी। और मुझे पता ही नहीं था सर मैं नर्वस होकर स्माइल कर जाती हूँ, ये मुझे यहीं पर आकर पता लगा कि मैं नर्वस होती हूँ तो स्माइल कर जाती है। तो मुझे सर बोल रहे थे कि कॉन्फिडेंट रहो, कुछ भी गलत भी हो जाता तो भी। अब ये मुझे पता ही नहीं था, क्या पता इसी वजह से मेरा सिलेक्शन ना हुआ कि भाई कैजुअली ले रहे हैं बच्चे, क्योंकि दिख जाता है स्माइल हो रही है। तो सर ये छोटी छोटी चीजें हैं, अपने आप को इम्प्रूव करनी है। मतलब आपको कोई बता दे कि इतना छोटा सा चेंज ले आओ तो शायद काम बन सकता है, शायद हो सकता है सर, क्योंकि है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट है। किसी भी स्टेप पे आपको ऐसे कैजुअल नहीं होना कि अच्छा ये हो गया तो बस अब आप तो होने ही है, तो हर एक स्टेप को अच्छे से। चलो, दैट इज वंडरफुल चंदा, सो इट वाज अ रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन विद यू, एंड आई एम वेरी श्योर आपके ये वीडियो सुनने के बाद बच्चे लाइट फील करेंगे, मोटिवेट फील करेंगे, और जब भी वो लो फील करें वो आपकी ये वीडियो सुना करेंगे, बाथरूम में जाकर रोएंगे, एंड दे कम बैक, आपसे नर्वस होकर स्माइल करना जरूर सीखेंगे। तो इट वाज सर, मैं भी यूरोपीडिया टीम को थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि इंटरव्यू मेरा निकल गया सर, लिस्ट पे नाम आ गया। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। जब मैंने शेड्यूल करवाया सर शिवानी मैम, तो मुझे मतलब मेरी ट्रेन थी, मैंने उनसे लास्ट टाइम पे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे जल्दी से शेड्यूल कर दो मेरा मॉक, तो उन्होंने मेरे लिए वो भी किया, इसलिए सर मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। वरना क्या बोलो, फिर थैंक्स का रिजल्ट ऐसे निकालना है कि आप बच्चों को दबा के अच्छा पढ़ाओ चंदा, जो हम काम कर रहे हैं आप भी करना स्टार्ट करो। यस सर, डेफिनेटली, लेट्स चेंज द डेस्टिनी ऑफ द नेशन एज अ टीचर, एंड टीचर्स कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। चलो चंदा, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड कांग्रेचुलेशन टू योर एंटायर फैमिली।